हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने डेस्कटॉप से राउटर कॉन्फ़िगर कैसे करें। तो पहले हमने राउटर को लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे अपने ये नीचे जो स्टेटस लिखा है वो स्टेटस पर देखेंगे। ओके, स्टेटस पर जाने के बाद आएंगे हम नेटवर्क पे, ऊपर नेटवर्क टैब पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क टैब पर क्लिक करने के बाद इसमें एक नई विंडो ओपन हो के जाएगी, उसके बाद नीचे अपना यूजर नेम डाल देंगे एंड पासवर्ड डाल देंगे। यूजर नेम आपका नाम जो भी होगा, पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आपका होता है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है, वो पासवर्ड डाल देंगे। ओके, तो रजिस्टर्ड पासवर्ड डाल देंगे। इसको करने बाद आप नीचे आएंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद कुछ देर होल्ड करेंगे, उसके बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे, 5G पे जाएंगे। 5G क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप इसमें जो भी आप न्यू चेंज कर सकते हैं या तो नहीं चेंज करेंगे। उसके बाद ऊपर एनीथिंग करके अप्लाई कर देंगे, तो ये आपका वाईफाई चालू हो जाएगा। जब सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आप उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद अपने राउटर को एक बार रीस्टार्ट करेंगे, यानी ऑफ करके ऑन कर देंगे, तो आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। इस तरह से ये टाइकून ब्रॉडबैंड का राउटर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप हमारे चैनल पे या हमारे वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ऐसे ही आप ये भी कर सकते हैं सेकंड 2G पे, 2G लेकिन सेटिंग बाई डिफ़ॉल्ट होती है, चेक कर लीजिएगा कि किसी सिम में 2G ब्रॉडबैंड में नहीं आती है सेटिंग। इस तरह से तो ऑटोमेटिक लेता है, इसलिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा जैसे 5G पे किया था। ओके।